हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद ठहरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्या है आपके फ्यूचर के बारे में, यानी कि व्हाट अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, ये एक चैनल मैसेज है। मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, क्यों यूनिवर्स ने मुझे ये चैनल मैसेज पे ड्रीलिंग करने के लिए कहा है। हो सकता है आपके लिए कुछ स्पेशल आने वाला हो। आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी सोल अवेकनिंग में एक बड़ा कोई अचीवमेंट हासिल किया है, तो देखते हैं टैरो से कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है। व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है, क्या है आपके फ्यूचर के बारे में, ये देखते हैं। व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन हमें बताएं क्या बताना चाहते हैं आप। एक्सक्यूज मी गाइस, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन हमें बताएं, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन हमें बताएं, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। What about your future? What about your future? What about your future? What about your future? Page of Pentacles with Death. Earth sign Taurus, Virgo and Capricorn. Three of Swords, Ten of Cups, one more. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है आपका पेज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड द हायरोफेंट। ओके, सो यहाँ पे अब सारे साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है आपका एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, पाइसीस एंड स्कॉर्पियो, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वाटर में जो आपके कार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फायर साइन है वो कवर हो जाता है, यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स एंड अकॉर्डिंग टू डिवाइन। यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर दर से या फिर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आने को कहा जा रहा है। आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में जब देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में टेन ऑफ कप्स आने वाला है। लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली, लाइक आपका फ्यूचर फैमिली। ठीक है, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, काफ़ी अबंडेंट होंगे आप, काफ़ी ज़्यादा आप रिच भी हो सकते हैं, आप खुद लाइक कुछ कमाना, आपका खुद का अपना बिजनेस या फिर जॉब हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी अर्न करोगे। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस का भी है, जो भी है वो मेल फीमेल जो भी, अगर वो कुछ करते होंगे तो वो काफ़ी स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, यू नो, मैं देख सकती हूँ। आपके यहाँ पर आज की ज़िंदगी को देखते हुए अगर मैं कहूँ या फिर पास्ट की ज़िंदगी को देखते हुए कहूँ तो आपके कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहे हैं ज़िंदगी में, आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को भी मिले हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स प्लस डेथ कार्ड बताता है कि अब आपका वक्त आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशंस गेन करने का। लाइक आपकी लाइफ जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाएगी, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन अब आप देखेंगे अपनी लाइफ में। उसी के लिए अब आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी रहा है उस सच को एक्सेप्ट करते हुए, अपने पास्ट को भुलाकर, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हुए फ्यूचर पे फोकस करना है। लाइन समझ जाई, पास्ट को भुलाते हुए प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हुए फ्यूचर पे फोकस करना है। जो कुछ भी हुआ होने दो, कोई बात नहीं, हो गया, कर्मा था, हो गया, कंप्लीट हुआ, दैट्स ऑल। प्रेजेंट में हाँ चलो ठीक है, जो कुछ भी हो मैंने एक्सेप्ट किया, उससे जो कुछ भी बुरा था, भला था, जो कुछ भी मुझे सीखना था मैंने सीखा, लेट्स मूव ऑन। और अब फोकस करना है फ्यूचर पे कि भाई फ्यूचर को कैसे बेस्ट बनाना है। तो
तो इसीलिए थ्री ऑफ सोर्स और ये डेथ कार्ड से आपको इन दोनों तीनों कार्ड्स के आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आपके अंदर अनमेच्योर थोड़ी सी इमेच्योरिटी थी तो आपको उस इमेच्योरिटी से थोड़ा निकल के बाहर आना, थोड़ा सा अपना लेवल को अप करना है, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आना है। बच्चों वाली एनर्जी से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस प्लस आपको जो मिलने वाला है आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेफिनेटली अपने ऑरा को, अपने पोस्ट को, लाइक एक सोल वाले पोस्ट को अप करना होगा। अदरवाइज उसके अलावा आपका काम तो नहीं ही चलेगा बिल्कुल भी, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अब फोकस करना है आपको अपने फ्यूचर लाइफ पर। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर किसी को अपने, अगर आप अभी अनमैरिड हैं, लाइक आपकी फ्यूचर स्पाउस जो भी मेल फीमेल आप देख रहे हो, आपके अपने पेरेंट्स को लेके कुछ मैं जिम्मेदारी देख पा रही हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कौन इस वीडियो को देख रहा है, किस तरह से आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ड्स एंड डिवाइन जो मुझे चैनल मैसेजेस दे रही है उसके अकॉर्डिंग, इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों आपकी खुद की फैमिली दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए या फिर उनकी देखरेख के लिए अभी आप शादी नहीं करना चाहते हो, अभी आप इस चीज़ से काफ़ी दूर हो, या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे जिस वजह से आप काफ़ी डरे हुए हो अपनी वाइफ को अपने हस्बैंड के लाइफ में जाने से, या फिर उनको अपनी लाइफ में लाने से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो कि भाई ऐसा ना हो जैसे मेरे पेरेंट्स की लाइफ रही वैसी ही मेरी लाइफ रहे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका खुद का पास्ट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है या फिर पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस रहा आपका साथ में वो काफ़ी पेनफुल रहा है, काफ़ी अकड़ा, काफ़ी झगड़ा, या फिर कहूँ कि आपको एक बंधन सा महसूस हुआ है कि यार बहुत टॉक्सिक है कुछ चीज़, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। यहाँ पे जो कुछ भी रहा वो सब कुछ आपकी अवेकनिंग का एक पार्ट था, ठीक है। जैसे कि हम एक क्लासेस पास करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नाइन्थ, ट्वेल्थ एंड देन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो उसके बाद आपके जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, वैसे ही हमारी सोल अवेकनिंग में स्टेज बाय स्टेज आती हैं, जहाँ पे हम हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस लेते हैं और वहाँ से सीखते हुए हम धीरे 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 अवेकन हो जाते हैं, ठीक है। तो वही एक्सपीरियंस आपको देने के लिए यूनिवर्स यहाँ तक लेकर आया, आपको वो पेन दिया, आपको वो टॉक्सिक रिलेशंस दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपका नुकसान चाहते हैं, वो एक्चुअल में आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा भला चाहते हैं आपका। वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस लो जो कि आप आने वाले कुछ लोगों, जैसे कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप भी आने वाले कुछ लोगों को गाइड कर पाएंगे। देखो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हो, इस तरीके से आप अपनी लाइफ को यू नो यूनिक बना सकते हो। तो मैं देख सकती हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप एक बार अपने यूनिवर्स और अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोग काफ़ी सालों से अपने पास्ट में ही उलझे हुए हैं, आज भी उलझे हुए हैं, और फ्यूचर में भी उनका यही प्लान है कि हम उलझे रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेट करना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान का जो टॉक्सिक है उनके लिए। उनका ना तो वो सोलमेट है, ना ट्विन फ्लेम है, वो कार्मिक है उनका, किसी ऐसे इंसान का वो वेट कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है उनको, ठीक है। सिचुएशन को समझते हुए आगे बढ़ना है। किंग ऑफ पेंटिकल है तो आप स्टेबिलिटी, आप अवेयरनेस वो करते हो, रिजर्व करते हो, लेकिन आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है डेथ कार्ड की एनर्जी, लाइक सब कुछ खत्म, खुद की भी एनर्जी खत्म, ठीक है। तो आपको समझना है प्यार मोहब्बत ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो किसके साथ में कर रहे हो, उसका आपके साथ में कनेक्शन क्या है, क्या जो किस तरीके से वो आपको ट्रीट करती है या करता है, कितने एफर्ट वो आपके लिए लगाता है या लगाती है, ये बहुत ज़रूरी होता है देखना। सिर्फ आप मोहब्बत और प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है रिलेशनशिप को निभाने के लिए, सामने वाले इंसान का भी एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चाहे पेरेंट्स जो होते हैं वो माँ बाप, एक लड़का और लड़की मिलकर पेरेंट्स बनते हैं, अकेली माँ एक माँ नहीं बन सकती, एक पिता पिता नहीं बन सकता, उन दोनों को एक होना पड़ेगा तभी जाके एक फैमिली का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो कर रहे हो किसी किसी के लिए वन साइडेड है, आप जिसका भी वेट कर रहे हो, यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, मैं देख सकती हूँ किसी ऐसे इंसान का, किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जिसका दूर दूर तक आपसे लेना देना नहीं है, या फिर कहूँ कि आपकी इमेजिनेशन है उस इंसान तक लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। तो प्लीज़ चेंज करें अपने थॉट्स को लाइफ में आगे, क्योंकि बिकॉज रीडिंग है, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैं बैठी हुई थी, चैनल मैसेज हुआ, सो मैंने रीडिंग शुरू कर दी, ठीक है। अब आपको सोचना है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, पास्ट में जो कुछ हुआ भूलो, प्रेजेंट से सीखो, एक्सेप्ट करो सिचुएशन को और फोकस करो उससे आपके फ्यूचर पर, और वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। सबसे बड़ी समझदारी यही होती है एक अवेकन पर्सन की कि वो अपनी गलती से सीखता जाता है, वो दोबारा नहीं दोहराता है उनको। तो अभी आपको यहाँ पे अपनी गलती से सीखना है और दोबारा दोहराना नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज आप एक फैमिली डिजर्व करते हो, आप एक परफेक्ट लाइफ डिजर्व करते हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो सब आएगा जो आप यू नो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुछ भी हो,
चिल्ड्रंस हो, लाइक हमारे एक होता है ना एक ड्रीम कि हाँ ऐसे हस्बैंड हो कि उनके साथ में हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी लेवल की रहे, ठीक है, बिना मतलब बिना कहीं समझ जाना इस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग, तो ये भाई काफ़ी मैनिफेस्ट करने के बाद मिलती है। आपको अपने सोल पे काफ़ी वर्क करना पड़ता है, अपने सोल को काफ़ी यू नो अवेकन करना पड़ता है, तब जाके आपकी लाइफ में ये सब आता है। तो आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं, आउटकम में आपके लिए क्या आता है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं क्या है हमारे व्यूवर्स के आउटकम के लिए। व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर। व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, King of Wands, Seven of Wands, Emperor, अभी Empress आई थी, अभी Emperor है यहाँ पर, Chariot, ये सारे कार्ड्स मैं लूंगी। ऐसे रखा होना चाहिए इस कार्ड को। ओके, सो व्हाट अबाउट योर फ्यूचर। सबसे पहले हम बॉटम ये कार्ड्स जो हैं, ये जो डेक के बॉटम में थे, इनको कवर करेंगे। देखिए, सेवन ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स एंड टेन ऑफ कप्स, आई मीन टू से टेन ऑफ सोर्स, ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके आप किसी धोखे में उलझे हुए हैं, आप किसी फरेब में उलझे हुए हैं, किसी आपकी अपने ने आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है कि शायद उस चीज़ से निकलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ी से ज़्यादा हम कह सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, इतना मैं देख पा रही हूँ, ये नामुमकिन नहीं है। जैसे कि अभी हॉर्न की आवाज़ आई, हो सकता है कि आपकी लाइफ आपको बुला रही है, लाइक आपकी सक्सेस आपको बुला रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ देख सकते हो खुद, मजिशियन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, चैरियट कार्ड है, सक्सेस आपको खुद बुला रही है, लेकिन आप सक्सेस के पास जाना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि आप अपने आपका सारा फोकस कहाँ है, जो हो चुका है, अब क्या होना है इसका फोकस आपका है ही नहीं, ध्यान तक नहीं आपका इस चीज़ पर, धोखा मिला उस पर आप अटके हुए हो, उसका रीज़न ये था धोखा मिलने का, आपका अटकने का, आपका उस इंसान से इतना अटैच होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका कार्मिक था, कार्मिक और सोल जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं उसके लेवल एकदम बराबर का होता है, नॉट कि वो स्पिरिचुअल बहुत होता है या फिर नो, अगर आप हरकतें देखें अपने ट्विन फ्लेम की तो आपकी और कार्मिक की दोनों की सेम होती हैं, आपको देखकर यही लगेगा उसकी हरकतें, उसके साथ जो फीलिंग आएगी कि नहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम है, हम मेड फॉर इच अदर हैं, लेकिन असल में आप मेड फॉर इच अदर नहीं होते हो, वो आप कार्मिक होते हो, क्योंकि जहाँ पे कार्मिक कनेक्शन होता है ना वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं, पर जहाँ पे आपका सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक चीज़ें समझ आ जाती हैं, आपको ना तो पूछने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको उन्हें बताने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेन ऑफ सोर्स बताता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटा, जो कुछ भी पेनफुल रहा, वो आपकी लाइफ में कर्मा का पार्ट था, लाइक
पास्ट लाइफ कनेक्शन था, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है आपका किसी इंसान से, जिसके साथ भी आपका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा है, वो आपका कार्मिक था और वो अब आपकी लाइफ से जा चुका है, इसीलिए अब उस इंसान के बारे में ना अटके रहें। अब मैनिफेस्ट करना है आपको अपने करियर को, अपने मैरिज लाइफ को, अपने फ्यूचर स्पाउस को, लाइक बेस्ट पार्ट को, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को खुद सुधार सकते हैं, आप में से काफ़ी लोग पाम रीडर हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा रीडिंग मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, यहाँ पर से कुछ लोग पाम रीडर हैं या फिर रेकी हीलिंग, रेकी हीलिंग करते हैं, आप लोग रेकी हीलर हैं या फिर हीलर हैं, कोई भी आप स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ठीक है। वेल ऑफ फॉर्चून एंड मजिशियन के अकॉर्डिंग आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त वो आपको मिल जाएगा। याद रखें, गॉड से सुने, अगर आपने इस टाइम पे अपनी लाइफ में धोखा, पेन और बुरी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की तो वो हो जाएंगी। संभल के मैनिफेस्ट करें, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी लाइफ चेंज कर देगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से चलते हैं, अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल पार्ट को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ आपके सामने, आपकी खुद की इच्छाएं रख रही है, आप जो चाहते हो वही आपको मिल जाएगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप अपनी लाइफ में पर्टिकुलर तरीके से उसे मैनिफेस्ट करोगे, ओके। आपको अपने पास्ट से निकल के बाहर आना है, जहाँ पे आप अटके हुए, जैसे आप रात दिन याद करके रोते रहते हो, रात रात भर रोते हो, नहीं अब नहीं, इनफ। वाई? बिकॉज वो आपका कार्मिक था। आपको नहीं समझ आया, मैंने बता दिया, वो आपका कार्मिक था, जो कुछ भी हुआ वो होना तय था, यूनिवर्स और डिवाइन किस्मत के अकॉर्डिंग वो सब कुछ पिछले जन्म के रिश्तों से जुड़ा हुआ था, आप जिसको माने या ना माने ये चीज़ होती हैं, ठीक है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों में अटके ना रहें, इन सब चीज़ों से बाहर आए, मूव ऑन करें और फोकस करें। अब आपको मैनिफेस्टेशन करनी है अपनी लाइफ की सक्सेस को। लाइफ में बहुत आप उलझ लिए वंडर में, अब आपको फाइनली इस ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग चलाने का वक्त आ चुका है, तो खुद चलाएं जैसे कि ये इंसान चलाता है, ठीक है। क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि आपकी जो सक्सेस है वो आपका वेट कर रही है, तो अपने सक्सेस की तरफ जाएं। और बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया लाइफ में किसी और के लिए अपने आप को हर्ट करना, अब वक्त आ चुका है कि आप अपने लिए वक्त निकालें। सेवन ऑफ वॉन्स यहाँ पर है, तो मैं देख सकती हूँ कि जो इंसान आपके लिए बेहतर नहीं है, जो आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया और ये इंसान अब मेरी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करता है, तो ऐसे इंसान के साथ में आपको खुद से ब्लॉक करनी है उसकी एनर्जी और लाइफ में फोकस करना है, मूव करना है अपनी लाइफ में। जैसे ही आप मूव करेंगे, आपके लाइफ में वो इंसान एंट्री लेगा जो यूनिवर्स ने आपके लिए खुद बनाया है, ठीक है। मैं यह देख पा रही हूँ आप आने वाले फ्यूचर में आप अपने लाइफ में किसी ऐसे इंसान को ब्लॉक करने वाले हो। कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है, कुछ लोग करने वाले हैं जो उनको डिज़र्व नहीं करते हैं। आप बेशक उससे बहुत प्यार करते हो कि ये वो, लेकिन वो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर अब उस इंसान से पीछा छुड़ाने में अपना फोकस कर रहे हैं, जो कि आप सक्सेसफुल भी हो गए इसमें आपने कोई शक नहीं। आपने जो कुछ भी सीखना था अपनी ज़िंदगी से सीख चुके हो, या फिर जो भी सीखना है अभी सीखोगे आप, अगर कुछ नहीं सीख पाए हो कम्प्लीटली, अवेकन नहीं हुए हो, सीख जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको उस इंसान को ब्लॉक करना है जिसके वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, ठीक है। अपनी एनर्जी को जिस दिन आप अपनी रिलेशन से आगे रखने लगोगे, जिस दिन आप अपनी खुद के रिस्पेक्ट को अपने रिलेशन से आगे रखने लगेंगे, उस दिन आपको ईश्वर यूनिवर्स वो सब देंगे जो आप सोच भर रहे हो, वो आपके सामने ला के रख देंगे। इसीलिए अपने आप को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी रिस्पेक्ट को रिलेशन से लोगों से आगे रखना शुरू करें। सेल्फिश होने को मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर लेकर आएँ, ताकि जो टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए रिलेशन वो ना हो, ताकि आप अच्छे और बुरे में जो है अंतर कर पाएँ, ओके। सो माय सोल, माय डार्लिंग, ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।